नमस्कार दोस्तों, तो जैसे कि आप देख रहे हो आज का जो वीडियो है वो कुछ इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि जैसे आजकल जो है वो एक माहौल बना हुआ है डीएसओ सब जगह पे अलग अलग से कोर्स भी लोग चला रहे हैं डीएसओ का। काफी सारी इमेल मेरे पास भी ऐसी आती है कि जो बोलते हैं कि सर हमको खाली डीएसओ सीखना है, तो ऐसा फिलहाल तो कोई कोर्स है नहीं मेरे पास, क्योंकि डीएसओ में कोई इतना डीपली इतना कोई नॉलेज भी नहीं है और ना उसकी ज्यादा जरूरत है। मेरे हिसाब से जितनी जरूरत है वो मैंने ऑलरेडी एक वीडियो ऑलरेडी पहले बना के डाला हुआ है यूट्यूब के अंदर, कि जिसके अंदर मैंने इसका यूज कैसे करना है या उसका सेटिंग कैसे करना है ये वीडियो मैंने बनाया हुआ है। लेकिन आज मैं आपके लिए अलग चीज लेके आया हूँ जिसको लॉजिक एनालाइजर बोला जाता है। जनरली डीएसओ और लॉजिक एनालाइजर दोनों जो है वो दोनों अपनी अपनी जगह पे है, लेकिन दोनों का एक अलग अलग वर्क है जो मैं आज आपको दिखाने वाला हूँ। क्योंकि लॉजिक एनालाइजर जो है वो जनरली मोबाइल की जो फील्ड है उसके अंदर आपको बहुत ही कम लोग ऐसा देखने को मिलेंगे कि जो लॉजिक एनालाइजर का यूज जानते हैं या यूज करते हैं, ज्यादातर लोगों के पास इसकी नॉलेज नहीं है। तो मैंने सोचा कि ये जो है मेरे हिसाब से मैंने इसका यूज बताया है, इसका यूज करके आप रूट सीक्वेंस को भी समझ सकते हैं। और प्राइस के अंदर जैसे आप देख रहे हो पोस्टर के ऊपर कि डीएसओ जो है वो 25,000 रुपये का है और जो लॉजिक एनालाइजर है वो 850 मैंने लिखा है, लेकिन 650-650 से स्टार्ट होता है जो कि 8 चैनल का आता है। क्योंकि डीएसओ जो है हमारा डीएसओ के अंदर ज्यादा से ज्यादा हम लोग 2 या 3 चैनल का डीएसओ हमने देखा है कि जो ज्यादातर लोग यूज करते हैं उससे ऊपर भी आता है, लेकिन फिर बहुत महंगा पड़ जाता है। लेकिन जो जनरल यूज के अंदर हम लोग जो मोबाइल फील्ड में यूज करते हैं ये 2 या 3 चैनल का जो है वो डीएसओ यूज करते हैं, और उसके अंदर हम 2 या 3 सिग्नल को एक साथ आप उसको एनालाइज कर सकते हो और उसको उसको कंपेरिजन भी उसका कर सकते हो कि दोनों सिग्नल के अंदर क्या डिफरेंस है। लेकिन यहाँ पे लॉजिक एनालाइजर जो है वो कम से कम जो है वो 8 चैनल का आता है, जो कि मैंने जैसे आपको बताया कि 650-650 से स्टार्ट होता है। और मैंने ये जो लॉजिक एनालाइजर जो मैं दिखा रहा हूँ यहाँ पे आपको जो दिखाने वाला हूँ वो 8 चैनल भी दिखाने वाला हूँ और 16 चैनल भी दिखाने वाला हूँ। फिलहाल जो आप वीडियो मैंने बनाया है वो सिर्फ 8 चैनल वाले का बनाया है, और 8 चैनल के अंदर भी हम लोग जो है वो काफ़ी सारी इसकी हेल्प ले सकते हैं। बेसिकली ये 24 मेगाहर्ट्ज का होता है और 8 चैनल है इसके अंदर, यानी कि 8 सिग्नल को आप एक साथ देख सकते हो। लेकिन इसका एक जो मेन एडवांटेज है वो ये है कि जैसे डीएसओ से हम रूट सीक्वेंस को कभी भी चेक नहीं कर सकते या बना नहीं सकते, लेकिन लॉजिक एनालाइजर जो है उसके अंदर अगर जैसे कोई पावर आईसी के बाहर जो भी बकवाइल लगी हुई है उसके साथ अगर आप 8 चैनल यानी कि 8 बकवाइल के साथ आप उसको सेट करते हैं, या अगर 16 वाला में और अगर ज्यादा बकवाइल है तो 16 वाला में और वो पिनों को वहां पे सेट कर दे और फिर उसको ऑन करें आप, तो वहां पे कौन सी बक सप्लाई जो है वो पहले बनी, कौन सी दूसरे नंबर पर बनी, कौन से तीसरे नंबर पर बनी, यानी कि अगर जिसका बुक सीक्वेंस कंपनी ने नहीं दिया है वो बुक सीक्वेंस भी आप इसके जरिए बना सकते हो। तो यानी कि ये एक जो चीज है जो हमारे लिए जो सबसे ज्यादा जरूरी है। इसके अलावा जैसे डिस्प्ले वगैरह के जो सिग्नल हो गए, बीपी लाइन हो गई, ये सारी चीजें जो है आप इसमें चेक कर सकते हो, जीपीआई वायर की सिग्नल चेक कर सकते हो, तो ऐसी बहुत सारी चीजें जो है ये आप इसमें चेक कर सकते हो। जो 24 मेगाहर्ट्ज का है जो मैं आपको बता रहा हूँ इसमें जो मैंने 850 का जो मैंने दिखाया है इसके अंदर ये वाला है, और इसका मैं फोटो जो है आपको नीचे दे दूंगा, इसका डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा कि ये आपको कहाँ से मिलेगा। तो ये सारी जो चीजें हैं वो तो मैं इसके अंदर डाल दूंगा, उसका यूज कैसे करना है वो भी मैं आज दिखाने वाला हूँ, उसका सेटअप कहाँ से मिलेगा वो भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो ये 8 चैनल का हो गया। दूसरा जो ये है ये 16 चैनल का है, जहाँ पे लिखा हुआ है लॉजिक 16, तो ये भी एक आता है, और ये दोनों जो है यूएसबी से कनेक्ट होते हैं और इसको आप डायरेक्ट अपने पीसी से कनेक्ट करके सारे सिग्नल को एक साथ देख सकते हैं। अब डीएसओ और लॉजिक एनालाइजर में सबसे पहले तो बेसिक डिफरेंस क्या है उसको हम समझ लेते हैं कि डीएसओ जो होता है वो जैसे आप कोई भी चीज को चेक कर रहे हो, कोई भी सिग्नल को चेक कर रहे हो, तो डीएसओ का पिन वहां का प्रॉब यानी कि उसका जो है वो आप रखोगे और डिस्प्ले पर आपको तुरंत जो है वो शो करेगा। लॉजिक एनालाइजर जो है वो रिकॉर्ड करता है, यानी कि आपने पिन को कनेक्ट कर देना है और फिर उसको स्टार्ट बटन पर क्लिक करोगे, आप उसमें सेकंड सेट कर सकते हो कि आपको 6 सेकंड का रिकॉर्डिंग करना है, 10 सेकंड का करना है, 20 सेकंड का करना है, जैसे आपको करना है, या मिनट का करना है, 10 मिनट का करना है, जैसे आप आपको रिकॉर्डिंग करना है वो हिसाब से आप उसका टाइमिंग सेट कर दोगे, वो स्टार्ट कर दोगे, तो वो सारे सिग्नल जो है वो रिकॉर्ड कर लेगा और फिर उस रिकॉर्डिंग को आप उसमें देख सकते हो पीसी के अंदर,
यानी कि आपको पता चलेगा कि भाई इसमें कौन कौन सी लाइन कब बनी। जैसे डिस्प्ले के अंदर है तो डिस्प्ले के अंदर आपका आई एन टी सिग्नल होता है, रिसेट होता है, फिर डी की लाइन होती है, फिर सारी बीपी लाइन होती है। तो सबसे पहला फिगर कौन सा बना, सेकंड कौन सा बना, फिर बीपी लाइन कैसे चली, ये सारी चीजें जो है ये लॉजिक एनालाइजर में आप इजीली एनालाइज कर सकते हो। और ये सारी की सारी लाइनें जो होती है ये कम फ्रीक्वेंसी की होती है, तो ये 24 मेगाहर्ट्ज़ वाला है जो है वो प्रॉपरली इसमें अच्छे से काम करता है। इसका मैंने वीडियो भी बनाया है जो मैं आपको दिखाने वाला हूँ आज, और इसका लाइव प्रैक्टिकल हम करने वाले हैं। इसके अंदर हम दो चीजों को देखेंगे, एक हम डिस्प्ले का चेकिंग देखेंगे और साथ में मैं पावर सप्लाई का चेकिंग भी दिखाऊंगा। पहले मैं डीएसओ से दिखाऊंगा, फिर उसकी कंपैरिजन जो है हम लोग लॉजिक एनालाइजर से करें। डिसाइड आपको करना है कि क्या बेस्ट है या क्या आपको अच्छा लगता है, क्योंकि ये दोनों चीजें अपनी अपनी जगह पर सही है। मैं ऐसा नहीं बोलता हूँ कि ये गलत है, लेकिन आप देखोगे तो आपको पता चलेगा कि कौन सी चीज जो है वो आपके लिए ज्यादा फायदेमंद है। 25,000 का इन्वेस्टमेंट है, एक तरफ 850 का इन्वेस्टमेंट है, तो बाकी सब आपके हाथ में है। तो देखते हैं वीडियो। तो दोस्तों डीएसओ तो आप सब लोगों ने देखा ही होगा क्योंकि डीएसओ के बारे में काफी चर्चाएं हो रही है आजकल। रही बात लॉजिक एनालाइजर की, तो ये मैं आपको दिखा देता हूं। तो देखिए ये जो है ये क्वार्ट्ज कंपनी का है और ये एक 8 चैनल लॉजिक एनालाइजर है। और इसके अंदर आप देखोगे तो इसके अंदर दो वायर आ रहे हैं साथ में, एक ये वाला जो वायर है ये हमको पीसीबी के साथ कनेक्ट करना है और उसका दूसरा सीधा जो है वो यहाँ पे कनेक्ट होता है। और ये जो है इसका यूएसबी केबल है और इसकी कीमत जो है मात्र 514 रुपये, 514 ओनली। और ये जो है ये एक 8 चैनल का लॉजिक एनालाइजर है। तो ये हमने देख लिया, अब हम देख लेते हैं कि जो 16 चैनल का जो है वो लॉजिक एनालाइजर कैसा है, तो वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए ये वाला जो आपको दिख रहा है लॉजिक 16 लिखा हुआ है, ये एक 16 चैनल का है। इसकी कुछ और पीक भी मैंने लिए हैं, यहाँ पे बहुत सारे पीक है। ये जो है वो लॉजिक 16 है, मेरे पास जो है वो ये वाला है, जो एक्चुअल में ये मेरा नहीं है, मैंने शंकर सर यानी कि शंकर जेठवानी सर से मैंने मंगाया था ट्राई करने के लिए, क्योंकि 8 चैनल का तो मेरे पास था लेकिन 16 चैनल भी मुझे देखना था कि उसमें क्या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। एक्चुअल में शंकर सर ने जो है वो चाइना से मंगाया था और ये कुछ 15-16 हज़ार समथिंग का था, लेकिन आप अमेजोन वगैरह पे ट्राई करोगे तो आपको 8,000 से स्टार्ट होगा 16 वाला भी। लेकिन आपको मेन जो है इसका जो मेगाहर्ट्ज़ है वो देख लेना है, क्योंकि 100 मेगाहर्ट्ज़ का होगा तो ये बेस्ट है सबसे। और ये वाला जो है वो आपका 8,000 से स्टार्ट होता है, इस तरह का होगा आपका देखने में। इसके साथ जो है यहाँ पे यूएसबी केबल लगेगा और ये सारी जो पीने हैं ये आपको बोर्ड में कनेक्ट करनी है। यहाँ पे चैनल नंबर वगैरह सब जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे एकदम क्लियर दिखता है आपको। यहाँ पे देखिए चैनल 1, 2 ऐसा लिखा हुआ है, ग्राउंड लिखा हुआ है। अगर क्लॉक सिग्नल आपको देना है तो क्लॉक का भी एक लाइन जो है वो यहाँ पे है। तो बहरहाल उसकी हमें कैसे कैसे यूज करना है, क्या है, वो सारी चीजें मैं आपको बता देता हूँ। दूसरी एक चीज मैं आपको ये बता देता हूँ कि डीएसओ के बारे में, हम लोग पहले डीएसओ के बारे में जानेंगे। तो डीएसओ के अगर आपको डीएसओ अगर पीसी के साथ कनेक्ट करना है तो वैसे भी कर सकते हो, उसके अंदर एक यूएसबी केबल आता है, जो यूएसबी केबल आप लगा के आप सीधा पीसी पे कनेक्ट कर सकते हो। उसके लिए आपको एक एप्लीकेशन की जरूरत पड़ेगी जो कि डीएसओ का डिवाइस मैनेजर होता है, और ये जो है इसकी लिंक भी मैं आप नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ये वाला जो है डिवाइस मैनेजर इंस्टॉलर, ये आपको इंस्टॉल करना है। तो जैसे ही आप इसको इंस्टॉल करोगे डेस्कटॉप पे ये वाला आइकॉन जो है वो बन जाएगा। यहाँ पे ऑलरेडी मेरे पास खुला हुआ है, तो पहले मैं इसको बंद कर लेता हूँ और फिर आपको मैं जो है इसको ओपन करके दिखा देता हूँ। ये वाला ओपन होगा, यहाँ से आपको राइट क्लिक करना है और ये इसको आप ओपन कर दो, तो ये जो है आपका विंडो ओपन हो जाएगा। ये जो है आपका माइक्रोस्कोप जो है वो कनेक्ट हो गया। यहाँ से आप इसका सेटिंग कर सकते हो, यहाँ से आपको इसको ओपन कर देना है, तो ये सारे जो पैरामीटर्स है ये आपको शो कराएगा इसमें। हालांकि बहुत सारे जो है वो सेटिंग्स है जो इसके आप इसका इंस्टॉलर लोगे साथ में, तो उसके अंदर एक पीडीएफ आएगा जिसके अंदर सारे सेटिंग जो है आपको बताए होंगे, तो उस हिसाब से आप इसका सेटिंग कर सकते हो। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक सैमसंग का मॉडल लिया हुआ है मैंने, और इसकी जो बक सप्लाई है इसको हम चेक करेंगे।
क्योंकि बक सप्लाई जो हमारी बनती है उसके अंदर भी स्पाइक बनती है, यानी कि एक फ्रीक्वेंसी बनती है, और इसको हम यहाँ पे देख सकते हैं माइक्रोस्कोप के जरिए। क्योंकि बक कॉइल जो होती है वहाँ पे जो एंटर होती है सप्लाई, यानी कि जो पावर आईसी साइड से आती है, वो सप्लाई में आपको साइकिल दिखेगी, आउटपुट साइड में सिर्फ आपको वोल्टेज लेवल या एम्पियर लेवल दिखेगा। यहाँ पे इसमें चार्जर वगैरह सब हमने लगा दिया है, और फोन को ऑन करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप चार्जर लगाओगे तो चार्जिंग जैसे स्टार्ट होगा तो सारी बक सप्लाई जो है वो बनना स्टार्ट हो जाती है। तो देखिए यहाँ पे ये इंटरनली साइड आप देखेंगे तो यहाँ पे एक स्पाइक बन रही है, और इसके आउटपुट में जब हम देखेंगे तो आउटपुट में आपको कोई स्पाइक नहीं देखने को मिलेगी। यहाँ पे हल्की हल्की सी स्पाइक दिखती है आउटपुट में, देखिए इनपुट में बन रही है, लेकिन आउटपुट में आपको हल्की हल्की स्पाइक दिखेगी, थोड़ा सा डिस्टर्बेंस जैसा, लेकिन वो आगे जो लाइन में फिल्टर लगे होते हैं वो उनको क्लियर कर देते हैं, यानी कि वो स्मूथ डीसी बन जाता है। लेकिन इनपुट में आप देखोगे हर जगह पे तो आपको एक स्पाइक देखने को मिलेगी। तो इस स्पाइक को भी हम चेक कर सकते हैं, और जिस तरह से हम आगे हालांकि देखने वाले हैं, हम बीपी लाइन वगैरह भी मैं आपको दिखाऊंगा, लेकिन पहले ये देख लीजिए। आप देखिए ये बक कॉइल के अंदर आप देखो जितनी भी पावर आईसी की साइड की लाइन होगी वहाँ पे आपको स्पाइक दिखेगी, अदर साइड में सिर्फ आपको वोल्टेज का लेवल दिखेगा, यानी कि वोल्टेज जो है वो अप हो रहा है ऐसा दिखेगा, क्योंकि जो इसकी सेंटर लाइन होती है यहाँ से ये जो है आपका दिखता है। देखिए ये लाइन जो है वो यहाँ से लेके ऊपर चली गई, यानी कि कहने का मतलब कि इसका वोल्टेज लेवल जो है वो अप चला गया, ये स्पाइक बन रही है देखिए, अदरवाइज सिर्फ जो है आपका वोल्टेज लेवल की लाइन जो है ग्रीन लाइन जो है ब्लू लाइन जो चल रही है वो ऑटोमेटिकली ऊपर चली जाएगी, ये स्पाइक है देखिए, यानी कि जितना भी पावर आईसी साइड वाला लाइन है उधर स्पाइक बनेगी, लेकिन जैसे ही बक कॉइल को पार करेगी तो सिर्फ वो डीसी वोल्टेज ही रहेगा, वहाँ पे कोई स्पाइक नहीं रहेगी, क्योंकि वो स्पाइक जो है वो बक कॉइल के अंदर वहाँ पे वो खत्म हो जाती है। देखिए हर जगह पे आपको दिखेगा, जितनी भी कॉइल आप चेक कर लोगे पावर आईसी के अगल बगल में जो लगी है, जो पावर आईसी में से जो आपका आउटपुट निकलेगा उसमें एक स्पाइक होगी, जिस स्पाइक को आप यहाँ पे देख सकते हो, और इसके आउटपुट के अंदर सिर्फ और सिर्फ लाइन जो है वो ऊपर जाएगी, यानी कि वोल्टेज जो है वहाँ पे हाई हो गया, लेकिन अदरवाइज वहाँ पे कोई स्पाइक आपको देखने को नहीं मिलेगी। देखिए जितने भी कॉयल हैं हम बाहर की साइड देखेंगे तो वहाँ पे कोई स्पाइक हमको नहीं दिखती है, यहाँ पे देखिए स्पाइक दिख रही है, ये साइड में कोई स्पाइक नहीं है। जैसे ही हम प्रॉप को हटाते हैं तो ब्लू लाइन जो है वो नीचे आ जाती है, यानी कि जीरो जीरो पे आ जाती है, फिर जैसे ही वोल्टेज अप होता है देखिए अप हो गई, जैसे ही आप हटाओगे तो वो नीचे आ जाएगी, ये स्पाइक आ गई, तो दोस्तों इस तरह से जो है हम बक कॉइल जो है उसकी आउटपुट को हम चेक कर सकते हैं डीएसओ या ऑसिलोस्कोप के जरिए, और यही चीज़ को हम लॉजिक एनालाइजर में भी चेक करेंगे। लेकिन इसमें और लॉजिक एनालाइजर में आपको एक डिफरेंट देखने को मिलेगा जो मैं खास करके आपको दिखाना चाहता हूँ, क्योंकि उसमें जो है हम एक साथ सबको देख पाएंगे, यानी कि जितनी भी लाइनें हैं वो सबको हम लॉजिक एनालाइजर से जोड़ देंगे तो सबकी फ्रिक्वेंसी जो है सबकी जो स्पाइक है वो एक साथ आपको दिखेगी, और उसमें सबसे पहली कौन सी सप्लाई बनी, कौन सी सेकेंड नंबर पर बनी, कौन से थर्ड नंबर पर बनी, ये सारी चीज़ जो है वो भी आप उसमें देख पाओगे। देखिए यहाँ पे स्पाइक बन रही है, सबका वोल्टेज जो है वो अलग अलग है, एम्पियर अलग अलग है, वो हिसाब से स्पाइक भी उसकी अलग अलग बनेगी। तो दोस्तों इस तरह से जो है हम जो बक कॉइल होती है उनकी सप्लाईयों को चेक कर लेते हैं। अब हम देख लेते हैं कि डिस्प्ले के सेक्शन को हम कैसे चेक कर सकते हैं, वो भी हम देख लेते हैं। तो दोस्तों डिस्प्ले के जम्पर हमने लगा दिए हैं, इसमें चार लाइन जो है हमने मीपी के लिए है, एक टीई का लाइन लिया है यानी कि थ्रेड इफेक्ट का, और एक लाइन जो हमने लिया है वो रिसेट का लिया है। कुल मिला के हमने यहाँ पे 6 जम्पर मारे हैं, और 6 जम्पर को हमने जोड़ दिया है केबल के साथ जो कि लॉजिक एनालाइजर के साथ आता है, और उस केबल पे ही हम डायरेक्ट चेकिंग करेंगे। तो सबसे पहले इसका सेटअप देख लेते हैं हम। तो इसका सेटअप जो है मेरा यहाँ पे
है यहाँ पे डेस्कटॉप पे मैंने ऑलरेडी रखा हुआ है, इसको मैं ओपन करता हूँ, जो कि है हमारा डिवाइस मैनेजर। डिवाइस मैनेजर को हम ओपन करके यहाँ पे हम जो है ऑसिलोस्कोप को स्टार्ट करते हैं। ये सारे केबल जो है हमने लगा दिए हैं, ये लॉजिक एनालाइजर वाला ही केबल है ताकि हमको चेकिंग करने में आसानी रहेगी, क्योंकि जम्पर वायर पे हम ज़्यादा अच्छे से चेक नहीं कर पाएंगे। तो ये लगा दिया है हमने, अब हम इसमें डिस्प्ले वगैरह लगा देंगे। बैटरी को भी लगा देंगे। और फोन को हम ऑन कर देंगे। और चार्जर भी हमने बैकअप के लिए लगा दिया है। ये पिन हमने ले ली है और पिनों पे हम वन बाय वन चेक करेंगे। देखिए ये पहली पिन पे ये मीपी वाली लाइन है, यहाँ पे आपको जो है दिख रहा है इसकी फ्रीक्वेंसी। ये दूसरी पिन पे हमने चेक किया, यहाँ पे भी दिखा रहा है। तीसरी पिन पे चेक कर लेते हैं, तो यहाँ पे भी सिग्नल आ रहे हैं। चौथी पिन पे चेक कर लेते हैं हम, देखिए यहाँ पे भी सिग्नल आ रहा है। यहाँ से सिग्नल की लेंथ को आप ऊपर नीचे कर सकते हो, जिस तरह का सिग्नल आप देखना चाहो वैसे उसका सेकंड चेंज करके आप मतलब कर सकते हो। अब हम और पिन को चेक करेंगे। देखिए यहाँ पे भी सिग्नल बन रहा है, ये थ्री डिफेक्ट वाला लाइन है, टी वाला लाइन है। और ये लास्ट बचा है रीसेट वाला लाइन है, इसको भी हम चेक कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे भी सिग्नल बन रहा है। तो बहरहाल ये सारी पिनें जो है हमने वन बाय वन चेक की। अब यही चीज को हम लॉजिक एनालाइजर में लगा के उसको कितना फास्ट हम चेक कर सकते हैं और इससे भी ज्यादा सिग्नल को हम कैसे बारीकी से देख सकते हैं, ये देख लेते हैं हम। तो लॉजिक एनालाइजर का सेटअप यहाँ पे डेस्कटॉप पे मेरे पास पड़ा हुआ है, इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल है, तो मैं इसको कैंसिल करता हूँ। इसका शॉर्टकट जो है ऑलरेडी डेस्कटॉप पे ही है, देखिए ये वाला है, इसको ओपन करते हैं हम। देखिए दोस्तों इसके अंदर जो 6 सेकंड ये दिख रहा है, ये यहाँ से आप सेकंड को जो है वो सेट कर सकते हो, यानी कि कितना आपको रिकॉर्डिंग लेना है वो आप सेट कर सकते हो। स्टार्ट किया हमने, इसका रिकॉर्डिंग जो है वो स्टार्ट हो गया, रिकॉर्डिंग एंड हो गया। अब हम इसका देख लेते हैं, देखिए सारे के सारे सिग्नल जो है यहाँ पे बने हैं। इसको थोड़ा ऊपर करना पड़ेगा, देखिए यहाँ से
ये हो गया आपका 1 2 3 4 5 6, ये 6 के 6 सिग्नल जो है आपके यहाँ पे बन गए हैं। अब आप इसको कर्सर से आप इसको जैसे ही जूम इन जूम आउट करोगे वैसे ही आप सिग्नल किस तरह का है उसको आप देख सकते हो। इसके अंदर आप देखोगे तो जो ऊपर की 4 लाइन है वो मिपी की लाइन है, 5वीं लाइन जो है वो थ्रेड इफेक्ट की है, और 6ठी लाइन जो है वो आपका रीसेट का लाइन है। तो आप देखोगे इसके अंदर तो ये 4 लाइन जो है ऊपर की वो ऑलमोस्ट आपको सेम दिखती है, यानी कि इसके अंदर जो है आपको सेम सिग्नल देखने को मिलते हैं। थ्री डिफेक्ट वाला जो है उसमें सिर्फ आपको एक ही राइस देखने को मिलेगा, बाकी सबके अंदर राइस और फॉल बहुत ज़्यादा है, और थ्री डिफेक्ट वाली लाइन के अंदर एक ही राइस है, बाकी अदरवाइज जितने भी है वो सब अलग अलग है। रीसेट वाली लाइन जो है उसके अंदर भी सिग्नल जो है वो लगातार बन रहे हैं, तो ये भी आपको देख के समझ में आ जाएगा। तो इस तरह से जो है आप इसके अंदर तुरंत आप इसको देख सकते हो और तुरंत आपको समझ में आ जाएगा कि आपकी सारी लाइन जो है वो प्रॉपर बन रही है या नहीं बन रही है। और इसके अंदर आप सीक्वेंस वाइज भी देख सकते हो कि कौन सी पहले बनी है कौन सी बाद में बनी है, जो कि मैं आपको पावर सप्लाई के अंदर दिखाऊंगा उसके अंदर आपको ज़्यादा समझ में आएगा। तो दोस्तों ये लॉजिक एनालाइजर के साथ इसका हमने कनेक्शन कर दिया है, ये सारे कनेक्शन जो है वो ओके हो गए हैं, और अब हमको इसको कुछ नहीं करना है, बस सिर्फ इसका यूएसबी के साथ हम कनेक्ट करेंगे और स्टार्ट बटन को हम दबाएंगे। तो जैसे ही हम यूएसबी लगाते हैं तो हमारी पावर सप्लाई जो है वो ऑन हो जाती है, क्योंकि चार्जिंग का लोगो जो है हमें शो कराना होता है, तो सेकेंडरी सप्लाई जो है वो सारी बन जाती है। तो ऐसे कंडीशन में आपकी सारी बक सप्लाई जो है वो बन जाएगी, और उसमें आप ये भी देख पाओगे कि कौन सी सप्लाई पहले बनी है, कौन सी दूसरे नंबर पर बनी है, कौन सी तीसरे नंबर पर बनी है। यहाँ पे हमने 5 बक कॉइल जो है वो ली हुई है, और 5ों बक कॉइल के अंदर हमने एक एक जम्पर किया हुआ है। तो जैसे ही हम इसको देखेंगे तो हमको ये समझ में आ जाएगा कि इसमें सीक्वेंस जो है इसकी क्या है, मतलब कौन सी कॉइल में सबसे पहला वोल्टेज बना है, कौन सा सेकंड नंबर पर बना है। तो देख लेते हैं इसको स्टार्ट करके। तो हम एप्लीकेशन को ओपन करके यहाँ पे स्टार्ट देते हैं और तुरंत यूएसबी केबल जो है हम इसमें एंटर करेंगे। जैसे ही यूएसबी हमने डाला, देखिए ये सारी की सारी बक कॉइल जो है उसके जो वोल्टेज है वो बन गए। अभी तक हमारा रिकॉर्डिंग चालू है, अब ये रिकॉर्डिंग बंद हुआ। अब इसको आप आगे पीछे करके आप देख सकते हो, यहाँ से आप देखोगे तो आपको लगेगा कि सारी एक साथ बनी है सप्लाई, लेकिन जैसे ही आप इसको स्क्रॉल करोगे यानी कि जब इसको जूम करोगे तब आपको पता चलेगा कि ये सारी एक साथ नहीं बनी है, लेकिन इसके बीच में कुछ माइक्रोसेकंड का डिफरेंस है। जो आप जितना जूम करते जाओगे वैसे वैसे आपको ये चीज़ जो है वो समझ में आएगी। देखिए यहाँ पे अभी थोड़ा हल्का हल्का डिफरेंस आपको दिख रहा है, इसको और जूम करेंगे तो देखो आपको और क्लियर दिखेगा। देखिए इसको स्क्रॉल करते जाइए, जितना स्क्रॉल करेंगे आप उतना देखिए यहाँ पे 5ों सप्लाई के अंदर आपको एक डिफरेंस देखने को मिलेगा। सबसे पहली व्हाइट वाली बनी है, देखिए यहाँ 5ों 5 पहले बन गई, उसको देख लेते हैं हम। लेकिन सबसे पहले जो है वो येल्लो वाली बनी है, सॉरी दूसरे नंबर पर व्हाइट वाली बनी है, तीसरे नंबर पे जो दूसरे नंबर वाली है वो बनी है, फिर ये चौथे नंबर पे और पांचवें नंबर पे। तो इस तरह से ये सारी जो सप्लाई है उसके बीच में कितना डिफरेंस है ये आपको यहाँ से देख के पता चलेगा कि ये कौन सी पहले बनी है, कौन सी दूसरी बनी है, कौन सी बाद में बनी है। इसको आप कितना भी जूम करके एक 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 राइस और एक एक फॉल को आप देखना चाहोगे तो इसमें आपको समझ में आएगा कि जो इसका अप डाउन जो है वो कितना है, वो उसको आप जितना भी चाहे स्क्रॉल करके जूम करके आप इस एक एक सिग्नल को बहुत बारीकी से देख सकते हो। तो देखोगे आप यहाँ पे, और इसके बाद में आपको इसको कितनी माइक्रो सेकंड में ये बनी है ये चीज़ भी आपको ये है वो दिखाएगा। देखिए ये इसको मैं दिखाता हूँ जूम करके, देखिए जितना इसको स्क्रॉल करोगे आपको एक एक छोटा छोटा सिग्नल जो है वो कितना आपको जो बीच के बीच में गैप है वो भी आपको यहाँ पे दिखेगा। तो यहाँ पे आप देखोगे तो सारी चीज़ें जो है आपको एकदम से क्लियर हो जाएगी कि कौन सी सप्लाई पहले बनती है कौन सी बाद में बनती है। तो बूट सीक्वेंस चेक करने के लिए मेरे हिसाब से इसके जैसी कोई चीज़ नहीं है कि जो आपको इतने कम दामों के अंदर आपको इतनी बेस्ट रिजल्ट देने वाली कोई चीज़ जो है, तो ये लॉजिक एनालाइजर है मेरे हिसाब से। बाकी आप अपना ओपिनियन और आपका पोल रख सकते हो, कोई वो नहीं है, क्योंकि सबकी अपनी अपनी सोच होती है, लेकिन मेरे हिसाब से ये बहुत ही बेस्ट डिवाइस है जो कि आपका जो काम है वो बहुत ही इजी वे में कर सकती है। तो दोस्तों यही बात करनी थी, यही सब आपको वीडियो दिखाना था। वीडियो अगर हमारा अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए,
कमेंट करिए और दूसरे दोस्तों को भी शेयर करिए और हमें सपोर्ट करिए ताकि हम ऐसे वीडियो बना सकें।